या हेलो एवरीवन, आई थिंक सबको मेरी वॉइस ठीक आ रही है हम्म, hmm. राइट right. तो आई होप आपको मालूम होगा ये सेशन फिफ्थ आज से में स्टार्ट करना है राइट right? और एक कंफ्यूजन uh, हुआ था आप लोगों को फोर्थ सॉरी लास्ट फ्राइडे को सेशन हुआ नहीं था वो फिफ्थ सेशन आज से स्टार्ट होना है ठीक है तो फाइनली आपको मालूम होगा मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूं एक बार राइट right. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडॉक चैप्टर स्टार्ट किया था और एडॉक चैप्टर में कुछ मॉडल नेम हम बाइंड अप कर चुके हैं आई थिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैं एक बार इसका फोन साइज बढ़ा देता हूँ राइट right. तो डे फाइव आज का सेशन है जिसमें बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग ये फाइव मॉड्यूल नेम बाइंड अप कर चुके हैं

एनसी का जो एग्जाम आता है ना एक्चुअल में वो सर्टिफिकेशन भी इसके बेस पे आप लोग राइट कर सकते हो राइट कोई भी मॉड्यूल में इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला फिर आप ये इनफ है एग्जाम देने के लिए भी और इंडस्ट्री में लिनक्स ऑटोमेशन के लिए भी राइट तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले आज का पहला मॉड्यूल में होगा यम आई होप आपको मालूम होगा लिनक्स एडमिन का एक जॉब होता है हर सिस्टम पर जाके यम इंस्टॉल पैकेज का नाम यम रिमूव पैकेज का नाम राइट यम अपडेट पैकेज का नाम सो सेम ऑपरेशन जो मैनुअली आप हर सिस्टम पर करते जाके इन in इंडस्ट्री में इन सर्वर वो काम मैं से ऑटोमेट कर सकता हूँ राइट right? तो यम का जो जॉब है उसके लिए सेपरेटली यम एक मॉड्यूल भी है एनसीबल के अंदर हाउ टू यूज प्रैक्टिकल देखते हैं इसको हम लोग ठीक है तो ये मेरा एक कंट्रोल नोड है जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हम बिल्डअप कर चुके हैं ठीक है इसमें दो मैनेज नोड ऑलरेडी एडेड है पहले से पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं यह मॉडल के बारे में अभी राइट तो सिंपल सा सिंटेक्स क्या है डॉक का एनसीबल कमांड होगी टारगेट में सपोज करना वी वांट टू सेट अ पैकेज ऑन वेब ग्रुप ओनली वेब एक ग्रुप का नेम है जो ऑलरेडी इन्वेंट्री फाइल में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पहले ये वेब ग्रुप लास्ट टाइम इन्वेंट्री फाइल में हम बिल्डअप कर चुके हैं जिसमें एक सिस्टम है बस राइट सो सो ऑन अ ग्रुप वी इंस्टॉल सम पैकेजेस यम इज मॉडल नेम और यम के कुछ होते हैं एट्रीब्यूट्स ये एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट डॉक कमांड से आपको मिल जाते हैं अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ लेकिन मुझे एट्रीब्यूट याद है तो मैंने बोला कि नेम यम एक काम करो एफ टीपी नाम का एक पैकेज होता है सिस्टम के अंदर राइट इन लिनक्स सर्वर एंड स्टेट यम पूछ रहा है बताओ स्टेट में क्या करना है यू वॉन्ट टू इंस्टॉल तो स्टेट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं स्टेट के स्कल टू में मल्टीपल टाइप आ सकते हैं इंस्टॉल्ड जैसे मुझे स्टेट याद है आपको याद नहीं अगर तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दो आप लोग जैसे आपको नहीं पता यार ई एम में स्टेट में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं ठीक है तो इसमें इतनी इंटेलिजेंसी भी है एनसीपिल के अंदर अगर आप कुछ कुछ मिस्टेक्स करोगे ना किसी वैल्यू में आप मिस्टेक करोगे तो ये पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो बताएगा आपको देखना मैंने इंटर मारा तो फाइनली क्या बोल रहा है कि भाई आप गलती कर रहे हो पॉसिबिलिटी है स्टेट की वैल्यू आइर एबसेंट होगी या इंस्टॉल्ड होगी या प्रजेंट होगी राइट right? अब यहाँ एक डाउट रहता है आपको इसमें इंस्टॉल्ड का मतलब और प्रजेंट का मतलब एक ही है और एबसेंट और रिमूव्ड एक ही बात है यम अनस्टॉल का मतलब एबसेंट और रिमूव्ड यम इंस्टॉल का मतलब इंस्टॉल्ड और लेट और प्रेजेंट लेटेस्ट की बात करूंगा अभी तो पहले मैंने क्या किया अभी मुझे प्रेजेंट याद आ गया तो मैंने प्रेजेंट यूज कर लिया यहाँ पे अभी इसका मतलब फाइनली यू आर टू इंस्टॉल पैकेज पी नाम का एक पैकेज है जो आपको यम के थ्रू बैक ग्रुप पर सेटअप करवाना है मैंने प्रेस किया राइट right? तो बता रहा है कि यू डोंट हैूडो पावर आई थिंक मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें कनेक्शन जो मेरा बिल्डअप हो रहा है वो रूट से बिल्डअप नहीं हो रहा है हाँ, तो कोई नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि ऐसा कोई जॉब जो रूट लेवल से यू वांट टू ट्रिगर तो उसमें हाईपेन बी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो आप लोग राइट हाईपेन बी का मीनिंग क्या होता है फॉर सूडो प्रिवलीज ठीक है तो फाइनली क्या बोल रहा है हाँ एक आर चेंज आ गया चेंज ट्रू का मतलब पैकेज सेटअप हो गया और एफ का ये वर्जन मिला मुझे राइट अगर इसमें मैं दोबारा से प्रेजेंट की जगह पर लिखता इंस्टॉल्ड तो ये इक्वली ही बात है प्रेजेंट इंस्टॉल एक ही बात होती है राइट क्या बोल रहा है चेंज स्टेट फॉल्स आ गई इसका मतलब बोल रहा है कि जो पैकेज आप चाहते हो ना वो, पहल वो पहले से पहले से आपके सेटअप में इंस्टॉल्ड है राइट ओके अगर मैं यहां पर यूज करता लेटेस्ट लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना लेटेस्ट पैकेज जो था अवेलेबल वो मैं डाल चुका हूं बट इन फ्यूचर इन इन यम रेपोजेटरी जो मेरा रेपो सिस्टम के ऊपर उस रेपोजेटरी में अगर कोई एफ का लेटेस्ट पैकेज आता है इंडस्ट्री में तो लेटेस्ट का मतलब होता है यम अपडेट और पैकेज का नाम राइट right? जो यम अपडेट कमांड से करते हो आप लोग इन लिनक्स वो काम एनसीबल करता है लेटेस्ट एफ लेटेस्ट राइट बट अभी मेरे पास रेपोजेटरी में कोई अपडेट पैकेज अवेलेबल है नहीं एप का सेम वर्जन ऑलरेडी डाल चुका हूं तो बता रहा है कि अप टू डेट है ऑलरेडी पहले से नथिंग टू डू मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद लाइक आपको लगता सर नहीं मुझे पैकेज हटाना है तो यम रिमूव या एपसेंट एक ही बात होती है ठीक है राइट तो पैकेज क्या हो गया अनइंस्टॉल कर दिया आप लोगों ने सिमिलरली इसमें और भी एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप कहाँ जाओगे म डॉक एन सी वर डॉक यम यहाँ जाना होगा आप लोगों को और लाइक यूजअली जो एग्जाम्पल हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में डेली बेसिस पर वो एग्जाम्पल कहाँ से मिलेंगे आपको हमेशा डॉक्यूमेंट के नीचे आए करो आप में एकदम तो बॉर्डम में कुछ कुछ काम काम के एग्जाम्पल्स पड़े होते हैं देखो जब मैं इसको बॉडम में लेके आ रहा हूँ तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। राइट जैसे बता रहा है कि यार यम ये ये फॉर्मेट जो है ना ये एनसीबल प्लेबुक का फॉर्मेट है जो आगे बात करेंगे हम लोग सर आपने एडॉक -ok में तो ये लिखा नहीं इस तरह से तो ये प्ले का फॉर्मेट है जो आगे समझाने वाला हूं बट अभी एग्जाम्पल मिल गया आपको कि यम में नेम का मतलब पैकेज का नाम और स्टेट का मतलब क्या एक्शन लेना है राइट right. ये भी प्ले का फॉर्मेट है इन अ सिंगल टास्क दे आर इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैकेज बट इन एडॉक वी डोंट है ऑप्शन एडॉक में एक टाइम पर हम एक ही पैकेज सेटअप कर सकते हैं इसकी लिमिटेशन भी है दैट्स फर्दर वी विल मूव ऑन प्ले बुक कंसेप्ट जो अगला चैप्टर होगा इसके बाद जा का इंटरेस्टिंग का एक्चुअल यूज केस वहां निकल के आएगा देखना राइट right. तो ये एग्जाम्पल करना पड़ेगा क्योंकि प्लेबुक हमारे पास है नहीं राइट right. फिर क्या एच टी टी पी डी एपसेंट जो एग्जाम्पल आपने अभी देखा था उसके बाद क्या बोल रहा है आई होप आपको मालूम होगा इसमें भी एक डाउट है आप लोगों को अभी कि यार आपने जब यम से पैकेज डाला तो लिनक्स में हम तो एक काम करते थे पहले हमें हर सिस्टम पे जाके पहले ना यम में जाके एक रेपोजेटरी बिल्डअप करनी पड़ती थी उस रेपोजेटरी को पता था कि पता होता है कि पैकेज का बेस यू आर कहाँ रखा हुआ है मेरे आर पी कहाँ पड़े हुए हैं तो आप ऐसा मानना अभी मेरे हर एक सिस्टम पे ना यम कॉन्फ़िगर था पहले से ऑलरेडी अगर आपको यम बिल्डअप भी करना है एनसीबल से तो आगे एग्जाम्पल दे दूंगा लेकिन मेरे हर एक नोड पर

लिनक्स के बंदे जानते हैं इसके बारे में तो बता रहा है कि बताओ ये पैकेज किस स्पेसिफिक रेपोजरी से उठाना है बस इफ़ यू हैविंग मल्टीपल रेपोजरी तो हम रेपो का भी नाम या डिफाइन कर सकते हैं मैं बोलना चाहता हूँ ठीक है उसके बाद बता रहा है कि एस टी में अगर आपको लगता है एन से बैठ के सर मुझे अपाचे का ना कोई स्पेसिफिक वर्जन लेके आना है सिंपल सा तो एन कहता है ठीक है ऑप्शन दे सकते हो आप लोग कंप्लीटली आप पैकेज का नेम भी डिफाइन कर सकते हो राइट right? उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहा है क्या आप जनरली आईटी में हर सिस्टम की अपडेट करते हो एक बार अपडेट वाई ऑल उस सिस्टम में जितने भी पैकेज हैं सबको अपडेट कर दो कभी लाइफ में आपने किया भी होगा सेम काम यू वांट टू डन वाई एनसीबल तो बता रहा है कि नेम के सामने इट्स कॉल्ड वाइल्ड कार्ड या एस्ट्रिक का मतलब है ऑल अपडेटेड राइट ओके फिर क्या बोल रहा है कि यार अभी सबको अपडेट करो इस एग्जाम्पल से क्या हो रहा है ऑल पैकेज शुड बी अपडेट बट एक्सेप्ट ऑफ कर्नल छोड़ दो और एक फू मतलब एग्जाम्पल माना जैसे कुछ आर ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जिनको वी वी डू नॉट वांट टू अपडेट सर अब बाकी सब अपडेट हो जाए लेकिन ये दो पैकेज ऐसे मेरे एक्स और वाई पैकेज ये अपडेट होने नहीं चाहिए तो एनसीपिल कह रहा है कि हाउ टू हैंडल एक्सक्लूड नाम का एक एक एट्रीब्यूट होता है मेरे पास इन, यम मॉड्यूल उससे आप कर सकते हो नीचे इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो ठीक है इसमें एक फाइट और है अभी सर ये यम जो मॉड्यूल आपने यूज किया है ये तो सिर्फ काम करेगा रेड हैट सिस्टम के ऊपर भाई वो मैनेज नोड मेरा अगर क्या है अगर मेरा मैनेज नोड आरएचएल की प्रॉपर्टी का है सेंटोस बेस्ड है रेल 7 बेस्ड है उस पे काम करेगा बस अगर मेरा सिस्टम सर उबंटू बेस्ड है तो ओबंतु में यम नहीं काम करता है भैयू आपको मालूम होगा ओबंतु का पैकेज मैनेजर जो होता है आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा विच इज क्रॉल एप्ट तो ये एग्जाम्पल वो लोग कर सकते हैं जिनका डेवियन जिनका फ्रंट एंड सिस्टम ना लिनक्स लिनक्स तो है बट आर एच एल फैमिली का नहीं है ओबंतु फैमिली का है ना तो वहां पर यम मॉड्यूल आप यूज मत करना फिर बाकी एट्रीब्यूट कॉमन रहेंगे लेकिन मॉड्यूल नेम होगा एप्ट तो यहां मैं ऐड कर दे रहा हूं ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अभी कौन सा वाला यम ये ओनली फॉर रडार्ट बेस सिस्टम विल सपोर्ट राइट तो एक मॉडल ने मैं यहां नीचे और राइट कर दे रहा हूं एप्ट डेवियन फैमिली या वन फैमिली राइट या फिर एक मॉडल नेम और और भी आता है सिमिलियरली ये भी इसी काम में आता है वी वॉन्ट टू सेट अप एनी पैकेज तो पैकेज मॉडल नेम लेकिन ग्लोबल है अगर आप एप्ट यूज नहीं कर सकते ये यूज नहीं कर सकते तो पैकेज किसी भी फैमिली में सपोर्ट करेगा आपका डाइवियन हो लेनेक्स का रेडेड फैमिली कोई फैमिली हो आपकी तो इसमें लेकिन एक तरीका है यूज, इसको यूज करने का पैकेज का एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा तो एप्ट अभी वैसे यहाँ या, मैं अगर इंटर मारूंगा ना तो ये चलेगा नहीं अभी यहाँ पे बेसिकली क्योंकि बता रहा है कि ये जो आपकी फैमिली है ना आई I मीन mean ये मेरे पास सिस्टम डेबियन वेस्ड नहीं है आर एच एल है तो ये मैं यहाँ यूज नहीं कर सकता एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ एप्ट की जगह पे पैकेज पैकेज ओनली पैकेज पे आप जाओगे आप लोग यू वॉन्ट टू सेटअप एनी पैकेज पैकेज का नाम डब्ल्यू गैट सपोज करो एंड यू वॉन्ट टू इंस्टॉल्ड तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा यूज यूज नाम का एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर पैकेज के अंदर उसको बताओ कि फ्रंट एंड मशीन का पैकेज मैनेजर का टाइप कौन सा है पैकेज डालने जा रहा हूं मैं लेकिन मुझे बताओ वहां सिस्टम डेवियन है कि लिनक्स आर एच है तो यूज इज टू यम का मतलब यम यूज करना और यहां अगर मैं टाइप करता हूँ एप्ट तो इसका मतलब ओवन टू वेस्ड है एप्ट यूज करना है आपको राइट सो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि पैकेज के रिलेटेड तीन मॉड्यूल में इसमें अवेलेबल है राइट तो ये हमने सीखा पहले लिनक्स में सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना वाया एनसीबल जो काफी टाइम हमें करना पड़ता है इसमें एक फाइट आई थी अभी रेपोजेटरी को लेके सर आपने एक बात बोली थी अभी कि एक बात आपने बोली थी अभी कि एनसीबल से हम यम रेपोजेटरी बिल्डअप कर सकते हैं तो आई होप पहले आपको मालूम होगा कि यम रेपोजेटरी बिल्डअप होती क्या है पहले लिनक्स एडमिन का एक काम था देखो क्या काम होता क्या काम था उसका लिनक्स एडमिन को एक जॉब परफॉर्म करनी पड़ती डेली क्या वो हर सिस्टम पे जाता था ऐसे यम ई टी सी एम डॉट और यहाँ जाके ना वो एक फाइल बिल्डअप करता था पी आई कोई भी क्लाइंट डॉट रेपो किसी भी नाम से और यहाँ उसको फिर डिफाइन करना पड़ता है कोई भी ब्रैकेट में नाम देगा रेपोजिट्री का बताएगा पैकेज कहां इंटरनेट का करता है राइट ये, सा, ये काम उसको हर सिस्टम पर करना पड़ता है जाके तो एनसीबल से इसकी क्या अप्रोच फॉलो करोगे आप लोग जरूरी नहीं है कि यम बिल्डअप करने वाला मॉडल नेम ही अवेलेबल हो अलग से आप अभी तक कुछ ऐसा पढ़ भी चुके ऑलरेडी पहले से आप उस वाले मॉडल नेम को भी यहाँ फिट कर सकते हो सर सिंपल सी बात बोल रहे हो आप कि क्लाइंट डॉट रेपो नाम की एक फाइल बिल्डअप करनी पड़ती है हमें हर एक नोड के ऊपर जाके तो क्यों ना एक काम कर लेना पहले पहले कंट्रोल नोट पर फाइल बिल्डअप कर लेते हैं हम लोग जो डेटा वी नीड टू कॉपी आउट ओवर द ऑल मशीन्स तो पहले वो उसकी प्राइमरी फाइल जो होगी मेन फाइल उसको कंट्रोल नोड पर कॉपी कर लेते हैं और आपने कॉपी नाम का मॉडल नेम पहले बाइंड अप कर दिया है और उस कॉपी नाम के मॉड्यूल से हर नोड पे फाइल पुश कर देंगे हम लोग तो यम बिल्डअप हो गया राइट तो हर एक चीज का मॉड्यूल नेम का वेट मत करो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके होते हो बस आपको फिट करना आना चाहिए कि यार ये अप्रोच कैसे करेगा है हैंडल राइट जैसे मैंने बोला अभी कि मेरा काम है तो मैं क्यों ना एक काम करूं मैंने एक फाइल पहले कंट्रोल नोड के ऊपर बिल्डअप की और मैंने माना कि मेरे सिस्टम में यम सेटअप करके आओ और मेरे जो आरपीएम है ना ऐसा मान लो आपकी मेरे सिस्टम में आरपीएम लोकल मशीन में एक फोल्डर है एम नाम का फोल्डर वहां रखे हुए हैं मैं सपोज कर रहा हूँ मेरे पास है नहीं वैसे तो बट आप मान लो कि फोल्डर में RPM's पड़े हुए हैं सिस्टम के ऊपर जाके किए वहीं से पैकेज बिल्डअप पैकेज पिक कर लेना ठीक है ये इनेबल वन जीपी चेक जीरो ये सब टॉपिक मेरा ये नहीं है क्योंकि ये यम का पार्ट है लिनक्स वाले बंदे जानते हैं इसके बारे में हमारी मेन फाइट क्या थी अभी मैंने यहां से क्या किया इसको सोर्स एड्रेस को उठाया क्लाइंट डॉट रेपो और हर एक मशीन के अंदर कॉपी कॉपी कर दिया राइट right? मैं करने वाला हूं नहीं अभी क्योंकि मेरा यम ऑलरेडी पहले से बिल्डअप हो रखा है बट मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं कि ये सम बिल्डअप करना आप वेट करोगे इसका मॉड्यूल कुछ आने वाला होगा देन यम यम बिल्डअप कर पाएंगे चीजों को आपको फिट करना सीखना है उसके बाद आप राइट right. तो ये रेपोजीटरी कैसे बिल्ड अप करते हैं यूजिंग एनसिबल आपको समझ में आ गया होगा नाउ बात करते हैं अब ऑन वैसे अगर मैं थोड़ा सा और डेप जाता हूं तो एनसिबल कहता है कि नहीं मेरे पास यम रेपोजीटरी बिल्ड अप करने वाला मॉड्यूल नेम भी अवेलेबल है अगर कोई भी यूजर को ईटीसीएम डॉट रेपो डॉट डी में एक रेपो बिल्ड अप करनी पड़ती है और वो वो हर नोड पे वीआई कमांड से फाइल बिल्ड अप नहीं कर सकता उसको सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है फाइल बिल्डअप करने का फाइल का पाथ उसको नहीं मालूम राइट ब्रैकेट कैसे स्टार्ट करते हैं उसको तो ठीक है एक काम करो फिर आप यूजर से बोलो कि यूजर या मंडर स्कोर रेपो एडिट्री नाम का जो मॉड्यूल मैं नो यूज कर लो आप राइट right? जैसे आपको याद नहीं है कि स्कोर, रेपो एडिट्री में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं तो ठीक है इसका डॉक्यूमेंट ओपन करो और आप ऐसा मानो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो यहां से मुझे इसके एट्रीब्यूट मिल जाएंगे कि हाउ तो टू वाया सेटअपेटरी मॉड्यूल राइट तो देखते हैं एक बार एग्जाम्पल काफी नीचे पड़ी हुई है इसके ये बता रहा है देखो कि यार ये सिंटैक्स होता है सिंटेक्स मुझे मिल गया अब मैं इसको यूज कर सकता हूं एनसीबल ऑल सिस्टम पे जाओ और एक रेपोजेटरी बिल्डअप करके आओ मॉड्यूल नेम राइट और इस मॉड्यूल नेम का पहला एट्रीब्यूट पूछ रहा है नेम बताओ रेपो का नाम क्या होगा अब ये नेम आपको याद नहीं करना है ये नेम कुछ भी हो सकता है रेपो एंट्री का नाम कुछ भी ले सकता है सिस्टम एडमिन राइट उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है आपको तो आप डिफाइन कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन देख चलते हैं हमेशा हम लोग मैंने दिया एग्जाम्पल टास्ट फिर पूछ रहा है कि बताओ पैकेज का बेस यूआरएल आर होगा राइट right? अभी मेरे पास कोई रेपोजिटरी का रियल पाथ अवेलेबल है नहीं यू तो मैंने जस्ट इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लिया से दिखाने के लिए आपको डबल पेस्ट हो गया एक मिनट बस राइट उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है इनेबल कर देना और मेरे पास आरपीएम की जीपीजी की है नहीं तो जीपी चेक को जीरो कर देना ठीक है अब मैं प्रेस करूंगा ना तो रियली में होगा क्या पता है चलो मैं एक बार इंटरप्रेस करके दिखाता हूँ आपको मैंने इंटरप्रेस किया बट सॉरी मेरे पास रूट एक्सेस नहीं है तो मुझे हाईपन बी यूज करना पड़ेगा आपको लग रहा है हाईपन बी आप बार बार यूज क्यों कर रहे हो तो मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ आप एक काम कर सकते हो वरना एन की जो सी फाइल है ना उसमें बिकम नाम का एक पैरामीटर होता है सबको याद होगा अगर आप एवरी टाइम सूडो यूज नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से इस लाइन को अनकमेंट कर दो आप लोग बिकम ट्रू तो मुझे ये एरर जो बार बार आ रहा था ना अब नहीं आएगा देखना तो क्या हुआ फाइनली बॉस यम बिल्डअप हो गया दिखा रहा चेंज हो गया अगर मैं उस नोड पे लॉग इन करके आपको दिखाता हूं चलो लॉग इन नहीं करते इसी मशीन से बैठ के कमांड रन कर देते हैं कि उस सिस्टम में जाके दिखाओ उस सिस्टम में कैट कमांड चलाओ और बताओ कि यम रेपो डॉट डी में जाके कोई टेस्ट डॉट रेपो नाम की फाइल बिल्डअप हुई है इसने डॉट रेपो एक्सटेंसन अपने आप यूज कर लिया था आपने जो रेपो का नाम दिया है ना वो सिर्फ टेस्ट दिया है लेकिन आप यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ बता रहा है कि हाँ यार सब पे फाइल अवेलेबल है और ये कंटेंट आके इसमें इंजेक्ट हो गया अपने आप राइट आपको यम नहीं चाहिए तो या तो इस फाइल को आर कमांड से आप लॉस करवा दो या फाइल मॉडल से लॉस करवा दो या यम कहता है कि मेरे पास भी रेपोजेटरी को रिमूव करने का ऑप्शन होता है रेपो का नाम स्टेट एपसेंट दैट्स इट तो इससे वो जो रेपो कन्फ्यूज है उसके अंदर वो क्या होगी वहां से अपने आप वाइपआउट हो गई यानी वो कुछ भी नहीं हुआ आरएम कमांड से उसने फाइल को वहां से लॉस कर दिया है राइट या तो मैं ये अप्रोच कर लूँ फॉलो अगर ये अप्रोच फॉलो नहीं कर सकता मैं तो फिर ऑलरेडी आपको मैं फाइल नाम का मॉडल पढ़ा चुका हूँ कि फाइल मॉडल से हर एक मशीन में से आप लोग ये वाली ये वाली फाइल डिलीट कर दो फिर आप कहा से यम डॉट रेपो डॉट ई में जाओ और एक टैस्ट डॉट रेपो नाम की फाइल है उसको यहां से क्या कर दो राइट ठीक right. है तो अभी तो नो, नो चेंज आ रहा है क्योंकि फाइल अवेलेबल है नहीं मॉड्यूल चला तो है बट फाइल स्टेट नो चेंज हुई है कुछ भी चेंज हुआ नहीं टास्क के अंदर ठीक है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये मॉडल बहुत काम का है भाई वाला ध्यान रखना का जब एग्जाम का आप लोग तो उसमें यम कॉन्फिगेशन कराएगा आपसे हर सिस्टम के ऊपर वाया मॉडल ठीक है तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या सर्विस मॉडल सर्विस मॉडल का मतलब होता है जैसे लिनक्स में आपको याद होगा आपकी एक जॉब होती है सिस्टम सी टी एल स्टार्ट सिस्टम सीई टी एल इनेवल सर्विस का नाम सर्विस को आप स्टार्ट करते हो स्टॉप करते हो जिसको आप लिनक्स की लैंग्वेज में डायमन बोल देते हो आप लोग डायमन मैनेजमेंट आपने सुना भी होगा डायमन डायमन वर्ड राइट तो सर्विस मॉडल से आप सर्विस की स्टेट को मैनेज कर सकते हो मैं एग्जांपल देता हूं उसका देखो सपोज करना आ, मैं ऐसा मान रहा हूं कि हर एक नोड पर एक सर्विस है कि नहीं पता नहीं पहले एक सर्विस डाल देते हैं तो मैंने पहले क्या किया ग्रुप ओनली चलते हैं अभी चलतेम से बोला यम एक काम करो पहले उस नोड के ऊपर एक एस नाम का एक पैकेज डाल दो पहले आप राइट right. डी क्या होता है फाइट वो नहीं अभी मानो कोई सर्विस है लिनक्स के अंदर तो पहले इस सर्विस को डाला और सर्विस को डालने के बाद सिस्टम एडमिन को ना सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है हर नोड पे जाके तो एनसी से ही बैठ के हम लोग और एक ही नोड से बैठ के सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं बस करना क्या आपको एनसीबल बैग ग्रुप पे जाओ यू हैव टू स्टार्ट सर्विस सर्विस के एट्रीब्यूट जो होते हैं ना कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होते हैं बताओ सर्विस का नाम क्या है मैंने बोला एच टी नाम की सर्विस है अब ये सर्विस का नाम जो है ना ये नॉलेज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आईटी में आपको सर्विस की नेम पता पहले होने चाहिए एक्चुअल में पहले कभी आप सिस्टम एडमिन रहे होंगे तो आपको मालूम होता है

सर्विस सिस्टम सिस्टम सी टी एल इनेबल और सर्विस का नाम तो यहाँ आपको एक एट्रीब्यूट और ट्रू ट्रू का मतलब है परमानेंटली ये मशीन रिबूट लेके कभी भी वो जहाँ जहाँ सर्विस को स्टार्ट किया गया है वो सिस्टम रिबूट ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सिस्टम जैसे वापस आ पाएगा तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट हो जाएगी ठीक है एक फाइट और रहती है आप लोगों को कि यार ये अगर सिस्टम आर एच एल सिक्स का है आर एच एल सिक्स में तो हम लोग सर्विस कमांड यूज करते थे पहले पहले रेल के बाद जो कमांड कमांड अनाउंस हुई है है मार्केट में वो सिस्टम सीटीएल सीटीएल से सर्विस थी तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है सिस्टम आपका सिक्स का हो सेवन का हो एट का हो सर्विस मॉडल नेम की इंटेलिजेंस ही अपने आप ये आप इसी को यूज करो फ्रंट एंड नोड पर इन्वायरमेंट सर्विस कमांड का है कि सिस्टम सीटीएल का मैटर नहीं करता ठीक है बस इंटरप्रेस करो तो सर्विस स्टार्ट हो गई उसके जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो में आपको आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया के ऊपर, राइट। right. कभी आपको लगता है कि मुझे सर्विस को रिस्टार्ट लेना है फाइनली रिस्टार्ट आप ले सकते हो यहां से बैठ के राइट right. रिस्टार्ट के बाद आपको लगता है कि यार मुझे इसको स्टॉप uh, कर देना है परमानेंटलीबल्ड फॉल्स फॉल्स कर दो या नो कर दो एक ही बात है ट्रू कर दो या यस कर दो एक ही बात है या जीरो वन वो भी है। जीरो बन, true, false, yes, no. एक ही होता है तो सर्विसेज को स्टॉप स्टार्ट रिस्टार्ट करना आ गया स्टेट आप भूल जाते हो अगर आप लोग भाई मिस्टेक तो मैंने बोला हुआ है कि कुछ भी मिस्टेक कर दो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ मिस्टेक करोगे ना तो ये बताएगा कि यार आप मिस्टेक कर रहे हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है पॉसिबिलिटी जो होगी वो रिलोडेड रिलोडेड या रिस्टार्टेड या स्टार्टेड स्टॉप्ड इसी में से आएगा आप गलत दे रहे हो स्पेलिंग तो कुछ मिस्टेक करोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल जाता है या फिर डॉक कमांड से वहां से मालूम कर सकते हो कि स्टेट में क्या क्या आ सकता है और ठीक है भाईओ तो ये सीखा हम लोगों ने क्या सर्विसेज मॉडल से सर्विस को स्टार्ट करना नाउ मूव ऑन लाइन फाइल मॉडल लाइन इन फाइल मॉडल काफी काम का मॉडल है इसका बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कोई फाइल है उसमें आपको कभी बॉटम में एक लाइन अपेंड करना है टॉप पर एक लाइन अपेंड करना है मिड में एक लाइन अपेंड करना है एक लाइन को हटाना है फाइल में से पूरी फाइल को ओपर नहीं करना है वेस्ड ऑन द लाइन बॉटम टॉप में कोई लाइन को इंजेक्ट मानना है आपको तो वहां लाइन फाइल को यूज कर लेते हैं जैसे लिनक्स में स्क्रिप्टिंग में एक कमांड आपने पढ़ी होगी सैड कमांड एसई डी इस एडिटर बोलते हैं उसको तो सैड कमांड के जो सिमिलर काम होते हैं ना वो इससे इस कर पाते हैं हम लाइन फाइल से भी राइट right? मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ देखो जैसे कॉपी मॉडल का एक लिमिटेशन था पता है जैसे आपको एक माइंड में बात आ रही है आपके अभी कि आपने कॉपी मॉडल से अभी तो लाइन ऐड करना बताया था मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं कॉपी मॉडल का ड्रॉबैक ये है नॉट ड्रॉबैक लिमिटेशन है उसकी कि वो सर, वो कंटेंट को ना जैसे ये कंटेंट आपने दिया कि इस कॉपी करो हेलो वर्ल्ड नाम की एक लाइन आपको इंजेक्ट करके आनी है डेस्टिनेशन फाइल के अंदर ईटीसी के अंदर सपोज करना तो एमओ फाइल में अगर कुछ और कंटेंट रहा ना पहले से तो हेलो वर्ल्ड उस सबको हटा देगा और हेलो वर्ल्ड नाम का कंटेंट पेस्ट मार देगा इट वर्क्स ऑन चेकसम कि डेटा जो जा रहा है अगर वो मैच नहीं हो पाया कंप्लीट फाइल को मैं ओवर कर दूंगा ये इसकी लिमिटेशन है कॉपी की बट आपको लगता है कि यार नहीं कंटेंट पहले से पड़ा हुआ है सर वहां पे वो ओवरराइट ना हो जाए और मुझे उस फाइल में कुछ अपेंड करवाना है बॉटम में टॉप पर मिड में लाइन के बाद लाइन से पहले ऐसी पॉसिबिलिटी फिर इससे कॉपी से पॉसिबल नहीं है वो उसके लिए क्या करने है वाले हैं फिर हम लोग लाइन इन फाइल देखो तो पहले ये देख लेते हैं एक बार कि हर एक नोड पर एमओ टी फाइल में क्या लिखा हुआ है अभी ऐसा मानो आपका एक काम है इंडस्ट्री में डेली कि एमओ फाइल में जाना और एक एट्रीब्यूट एक लाइन अपेंड करके आना सॉरी कुछ गलती हुई कमांड में एनसीबल ऑल माइनस कॉपी सॉरी कॉपी मॉडल नेम नहीं आएगा पे। फाइल पढ़ना है मुझे कैट कमांड से तो कमांड मॉडल नेम से पढ़ पाऊंगा राइट बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके अंदर डेब ग्रुप आपने लिखा नहीं कुछ भी बेब पे लिखा है ओनली बस ठीक है तो मुझे बैब ग्रुप पे एक काम कर देना है उसी फाइल में एक लाइन अपेंड और कर देना है तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज लाइन इन फाइल मॉडल राइट लाइन की जो वैल्यू है बताओ लाइन कौन सी लाइन है लाइन इसका एक एट्रीब्यूट है जो डॉक्स से मिल जाएगा आपको मैंने बोला कि इसमें एक लाइन अपेंड कर देना है राइट right. और उसके बाद एक काम और कर देना सॉरी बताओ फाइल का नाम कहाँ है पहले किस फाइल में यू वॉन्ट टू अपेंड इसमें ना बाई डिफॉल्ट अपेंड की इंटेलिजेंसी होती है आपको बताना नहीं है कि, कि अपेंड कहा करना है टॉप पे बॉटम में जैसे आप आपने प्रेस किया तो डिफॉल्ट ये लाइन को एड ही करता है बैकेंड में मतलब अपेंड करेगा देखो बता रहा है एक लाइन एड हो गई भाई मैं देखता हूँ अगर उस फाइल को मैं अगर कैट करता हूँ तो क्या बोल रहा है हाँ यार एक लाइन पहले से लिखी हुई थी एक लाइन और एड हो गई बट तुम्हारे माइंड में आया कि नहीं यार मुझे तो एक लाइन और लिखनी है इसके अंदर हेलो पपेट लेकिन वो मुझे अपेंड नहीं करनी है मुझे टॉप पे ऐड करनी है फाइल एकदम उसको बोलते हैं इंसर्ट आफ्टर बताओ फिर आप इसमें किसके बाद या कैसे पहले अपेंड करना है तो इसमें दो वर्ड होते हैं एक तो ईओ एफ एंड ऑफ द फाइल एक होता है बी ओ एफ बिगनिंग ऑफ द फाइल ऑफ दाइल फाइल के टॉप पे जाके अपेंड कर दो तो एक लाइन तो बता रहा है फिर से हाँ लाइन ऐड हो गया चेंज आ गया फिर मैंने देखा तो बता रहा है हाँ एक लाइन ऐड हो गया टॉप पे हुआ है लेकिन अच्छा ये जो बात है ना ये एक एक्सपीरियंस के बाद ही मिलेंगी आपको जैसे मुझे ये चीजें याद हैं तो काफी टाइम इसको यूज किया है तो मैं जल्दी से बिना डॉक पॉडेड इनको चला पा रहा हूँ बट तुम लोग किसी मॉडल को यूज करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में भी मतलब आप क्या करो पहले तीन चार मॉड्यूलियम को पकड़ो पहले उन पे एक अपने आप को करो हैंड्स ऑन फिर आगे आगे दीमे बढ़, दीमे दीमे बढ़ते हैं आप लोग तो कंटिन्यूस तो मॉड्यूलियम के जो हैं हैं वो याद हो जाते अपने आप डेली राइट ओके उसके बाद आपके माइंड में आया कि यार मुझे ये लाइन को ना एबसेंट करना है फिर ये जो लाइन लिखी है मैंने ये लाइन जो लिखा है मैंने इसके अंदर मुझको यहां से हटाना है इसको तो यहां से मैंने क्या किया इसको इस तो पूरी फाइल में जाओ और जहां भी हेलो पपेट लिखा रहा है उस लाइन को कर दो एबसेंट यहां से तो बता रहा एक लाइन क्या हो गई डिलीट हो गई राइट ओके अच्छा एक एक क्वेश्चन में और पूछ रहा हूं आप लोगों से जैसे लिनक्स एडमिन का एक काम होता है सूडो पावर देना यूजर्स को सूडो पावर्स में क्या होता है एक लाइन होती है यूजर का नाम ऑल ऑल इस तरह एक लाइन लिखनी पड़ती है हमें हर 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 एक नोड पे जाके एक फाइल होती है के अंदर सूडर्स नाम की फाइल होती है तो अगर वो काम NCVL से करना है आप लोगों को तो फिर आप वेट करोगे कि उसका मॉड्यूल नेम क्या होता है तो एवरी चीज का मॉड्यूल नेम होता नहीं मैं पहले आपसे बोल चुका ऑलरेडी तो इसके लिए फिर क्या है अगर आप थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगाओगे आप लोग तो देखो ये पॉसिबल इसी से हो जाएगा क्योंकि ये कहता है कि मेरा काम लाइन को अपेंड करना है सूडो क्या चीज है ये मुझे मुझे नहीं पता बट मुझे बता दो कौन सी लाइन और किस फाइल में आपको अपेंड करके आनी है तो ये काम एनसीपल के थ्रू करना है अगर आपको सेम देखो तो मैंने बोला कि वेब ग्रुप पे जाओ और एक काम करो एक फाइल में एक लाइन लिख के आनी है एक राम नाम का यूजर है और इस यूजर को अब ये लाइन का मतलब क्या राम क्यों लिख रहे हो ऑल क्या है ये एक सिंटैक्स है फाइल का जो मुझे एक लाइन अपेंड करनी होती है और सिस्टम पे जाके फाइट वो मत समझो भी आपकी ये ऑल ऑल का मतलब क्या है ये कोई कॉन्फिगरेशन जॉब है जो हमें परफॉर्म करनी है वाई एनसिबल ये लाइन यू हैव टू ऐड ऑल सिस्टम इन ईटीसी सूडस फाइल तो मैंने एंटर पेस्ट किया आ, कुछ मिस्टेक हुई है सॉरी ये डेस्टिनेशन में लिखना भूल गया ईटी टूटी तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक लाइन यहाँ क्या हो गई है एक लाइन ऐड हो गई तो एग्जैक्ट बैक एंड में हुआ क्या है अगर मैं उस नोड पे लॉग करता हूं नोड पे लॉग करने के लिए मेरे पास एक्सेस की नहीं है बट आपको मैं यहीं से फाइल को कैट करके दिखा देता हूं तो रियली में बैक एंड में क्या हुआ देखो और ना बैक ग्रुप जाओ और एक कमांड एग्जीक्यूट कर दो सूडस फाइल में एक लाइन ऐड किया मैंने राइट देखो ये बता रहा है कि हाँ यार फाइल में एक राम नाम का जो यूजर है ना वो आपने ऐड कर दिया है ठीक है तो एक एग्जाम्पल दिया कि सूडो पावर देना उसका कोई मॉड्यूल नेम नहीं है पुराने मॉड्यूलियम जो आपने पढ़ी अभी तक देखना होगा कि कौन सा काम कहां फिट करना है आपको राइट उसके बाद आपके माइंड में आया क्या एक मिनट राइट उसके बाद आपको लगा कि मुझे सूडो पावर हटाना है सर तो हटाने के लिए पूरी लाइन आपको अगर याद नहीं है ना तो इसमें तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बोला कि जिस लाइन की स्टार्टिंग में राम नाम का वर्ड आ रहा हूं ना उस इस फाइल में से etc, सी सूडस और स्टेट इज कल टू एबसेंट सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिलीट दिस लाइन आई मीन द लाइन स्टार्ट बाई राम स्ट्रिंग राम नाम का एक, एक की वर्ड है कहीं भी नहीं सिर्फ उन लाइन की जिस लाइन की स्टार्टिंग में राम नाम की वर्ड आ रहा हूँ ना उनको सिर्फ डिलीट करना है वहां से तो ये राम नाम का जो की वर्ड है ना वो इस लाइन में आ रहा है बेसिकली राम से इसकी स्टार्टिंग हो रही है तो ये लाइन यहाँ से क्या हो गई ओनली देखो पूरी फाइल में एक ही लाइन थी ऐसी बस जिसको इसने डिलीट कर दिया लाइन इन फाइल बहुत बड़ा मॉडुल्यम है अगर डॉक्यूमेंट खोलोगे इसका आप लोग तो डॉक्यूमेंट में बहुत एग्जाम्पल भी पड़े हुए हैं इसके अंदर बट मेरा जो कंसर्न है पढ़ाने का आपको मैं आपका माइंड सेट कर दे रहा हूँ कि ऐसे इस तरह धीमे धीमे हम लोग कितने भी मॉड्यूलियम को सार्व कर सकते हैं पढ़ पढ़ के अपने आप राइट मॉड्यम का चैप्टर कभी खत्म नहीं होने वाला तीन हजार से ऊपर मॉड्यूलियम आप डेवलप हो चुके हैं इंसिपल के अंदर लेकिन हमारा टॉपिक ये कि मॉड्यूलियम कैसे यूज करते हैं हम लोग तो डिमांड आई पहले पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा फिर कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्टिव कौन सा मॉडुल्यम में उसके उसका डॉक्यूमेंट ओपन किया एग्जांपल यूज किए तो मुझे मॉड्यूल में याद होना स्टार्ट हो गई ठीक है उसके बाद बात करते हैं रिप्लेस मॉड्यूल मॉडुल्यम बहुत सिंपल मॉड्यूल्यम है जैसे लिनक्स में फाइलों में जा जाके आपको ना कुछ पैटर्न होते हैं जो रिप्लेस करने पड़ते हैं तो वो कंट्रोल नोट से बैठ के आप कर सकते हो आप लोग एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है डॉक्यूमेंट ओपन करना वहां से आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं कौन सा गेट अंडरस्कोर यूआरएल किस काम में आता है जितने भी इंटरनेट बेस्ड यूआरएल की डाउनलोडिंग करना इट डज इक्विवेलेंट डब्ल्यू गेट कमांड जो काम डब्ल्यू गेट से करते हो आप लोग लिनक्स में वो काम कर सकते हैं हम लोग गेट अंडरस्कोर यूआरएल से ठीक है एक छोटा एग्जांपल देखें आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग बहुत बड़ा मॉड्यूल है मैं ये भी जैसे सपोज करना आ, ansible से एक जॉब चलानी है मुझे ansible हर एक नोड पे जाओ ये मेरी कोई फाइल है एक और इस फाइल को उठाओ इंटरनेट से हर एक नोड पे कॉपी कर दो डाउनलोडिंग कर दो इसको http बेस्ड ftp बेस्ड जो होते हैं पाथ कंपनी में उनसे डाउनलोडिंग करना होता है कुछ डाटा आपको जैसे मान लेता हूं कोई इंडेक्स पेज का एग्जांपल ले लेते हैं राइट right. ये सपोज करना है ये कोई मेरा एक इंडेक्स पेज है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया यूआरएल यू को और मुझे करना क्या है इसको हर एक नोड के ऊपर डाउनलोडिंग करवाना है तो गेट अंडरस्कोर यूआरएल यू आर नाम का एक मॉडल नेम होगा पिक्चर में बताओ कौन सा आपका यू है ये हो गया आपका यू उसके बाद बताओ नोड पे जाके कहा पेस्ट मारना है इसको डाउनलोडिंग कहां स्टार्ट करनी है आपको तो मैंने बोला टेम फोल्डर के अंदर डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हो इसमें और भी होते हैं आपका यू आर एल यूजर नेम बेस्ड है पासवर्ड बेस्ड है प्रॉक्सी बेस्ड है तो मैं अभी डॉक ओपन करूंगा इसका ना तो मुझे काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल वहां से मिल जाएंगे अभी ठीक है डाउनलोडिंग हो गई बहुत सिंपल छोटी फाइल थी टाइम नहीं लगा तो आपने माइंड सेट कर लिया अभी कि यार एनसीबल से जब भी कोई डाउनलोडिंग बेस्ड काम हो रहे होंगे एनसीबल के अंदर तो वो गेट अंडर्स को यू से कर सकता हूँ बैठ के मैं राइट right. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर क्या बोल रहे हैं यूजर नेम यूजर नेम जनरली लिनक्स एडमिन का काम होता है यूजर को ऐड करना यूजर को डिलीट करना पासवर्ड देना ग्रुप मेंबरशिप देना उनको ठीक है यू आई असाइन करना होम अकाउंट देना तो ये यूजर एड यूजर मोड जो कमांडे होती है ना उसके इक्वलेंट अकेला यूजर एड यूजर मोड यूजर डिलीट ये तीन चार कमांड जो होती है लिनक्स में उसकी सब अलग से नीड नहीं है आपको एक सिंपल मॉडल नेम से आप काम कर सकते हैं बैठ के राइट right? चलो मैं एग्जांपल देता हूं जैसे सपोज करना वेब ग्रुप पे जाओ एक रवि नाम का एक यूजर मैंने बोला कि इसको ऐड कर दो प्रेजेंट बना दो यूजर उसके बाद इसमें और भी एट्रीब्यूट आप दे सकते हो जैसे इसकी यूआईडी ये कर दो

लेकिन यहाँ एक फाइट है बस ग्रुप का मतलब प्राइमरी है और ग्रुप्स का मतलब क्या है सेकेंडरी है तो मैंने यहाँ ग्रुप यूज कर लिया इसका मतलब प्राइमरी प्राइमरी मेंबर चाहता हूं मैं ठीक है उसके बाद भी भी और, और सेल बिन बेस मतलब जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं यूजर के अंदर वो डॉक से मिल जाएंगे आपको बट मैंने अभी बहुत सिंपल यूजर ऐड कर दिया उसके बाद यूजर को अगर आपको करना है लॉस तो वो स्टेट कर दो तो, यूजर वहां से क्या हो गया आउट हो गया राइट सिमिलरली आपने बोला कि मुझे एक ग्रुप ऐड करना है तो यूजर मॉड्यूल की जगह पर क्या कर लो आप लोग एनसीपल के अंदर ग्रुप मॉड्यूल यूज कर सकते हो आप लोग ठीक है ग्रुप का नाम बताओ और वही सेम स्टेट इस्ट बताओ क्या है ग्रुप की आईडी अगर आपको देनी है कुछ भी कस्टम मैंने बोला यस वन जीरो फाइव ये आईडी दे दो उसको आप एक ग्रुप ऐड हो गया ग्रुप को हटाना है तो यहां से ग्रुप को कर दिया आपने एबसेंट थोड़ा सा मैं अब थोड़ा क्विक जा रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल uh, में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं एडॉक के अंदर फिर हमारा जो एक्चुअल चैप्टर अभी स्टार्ट होना है एनसीवल प्लेबुक्स, बुक्स वहां से एनसीवल में आप लोग कुछ नई चीजें सीखोगे आप अब ये मॉडल नेम तो आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको याद हो जाएंगे ठीक है उसके बाद बटी एग्जाम के पॉइंट ऑफिस आते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी एक बार सेटअप मॉडल की बात करूं एनसीपल में तो काफी काम का मॉडल में एडॉक में तो काम आ ही रहा है ये प्लस आगे चल के देखना प्ले बुक्स में अभी काम काफी आना है इसके बारे में सेटअप का मतलब क्या है प्रैक्टिकल समझ में आएगा इसके बारे में आपको देखना सेटअप मॉडल बेसिकली इट कलेक्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेज नोड जैसे आपने क्या किया एक बेब ग्रुप के ऊपर सेटअप नाम का मॉडल कर दिया विदाउट एनी एट्रीब्यूट को इसको एट्रीब्यूट की नीड नहीं है इट कलेक्ट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोड जैसे सिस्टम का आईपी सिस्टम की मेमोरी सीपीयू हार्डवेयर के बारे में डिवाइसेस एलवीएम की इन्फॉर्मेशन बायोस का वर्जन राइट सिस्टम का मैक एड्रेस तो एक सिस्टम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिन को निकाल के देनी होती है प्रोडक्शन में एनसीबल एक सिंगल ऐसा सेटअप एक सिंगल ऐसा मॉड्यूल है बॉस विच कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम लेट सी जब मैंने इसको पुश किया तो काफी इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गई और ये इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है ना बोस ये इसको बोलते हैं हम जैसन फॉर्मेट राइट क्या ये जैसन फॉर्मेट का आउटपुट निकल के आ रहा है इस इन्फॉर्मेशन को अभी तो हम सिर्फ देख पा रहे हैं आगे चल के इस इन्फॉर्मेशन को आगे मेल करवा दो सर इसको कहीं पर आउटपुट को सेव कर दो फाइल में वो सब बातें भी देखेंगे लेकिन इसमें सब कुछ सिस्टम के बारे में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे काम की होती है ना वो निकल के आ गई इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो इसमें तरीका होता है फिल्टर करने का यार मुझे सिर्फ ये निकाल के दिखा दो, दोनों मशीन में जाके मालूम करके आओ दोनों मशीन के अंदर फिल्टर कर दो कर्नल का वर्जन वर्जन क्या चल रहा है कर्नल का वर्जन चेक करने वाली मुझे कमांड याद नहीं आ रही क्या होती है तो सेटअप कहता है कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है मैंने इनको मुझे याद है क्योंकि मैंने इसको पहले यूज किया हुआ है आप भी इसको जब यूज करोगे डेली तो मालूम चल जाता है कि मैक्सिमम किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आइटम हमको ला देता है अच्छा वो वो एट्रीब्यूट आपको या, याद नहीं लेकिन कि कर्नल का वर्जन का कीवर्ड क्या होता है गैदरिंग करने वाला तो ठीक है इसमें सिर्फ सिंपल ये लिख दो आप लोग कि इस इन्फॉर्मेशन में से ऐसा कोई वेरिएबल है तुम्हारे पास ऐसा कोई कीवर्ड है जो कर्नल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला देता हो तो मैंने आगे पीछे नाम की आगे पीछे ना एस्टिक मार दिया है क्यों क्योंकि मुझे पूरा नाम याद नहीं उसका एग्जैक्ट की स्टार्टिंग में क्या है एंडिंग में क्या होती है मैंने मिड में बोला कर्नल हो बस कर्नल मैच करो आगे क्या है पीछे क्या है, ये मैच मत करो तो इंटर मारा तो बता रहा कि की हाँ, कर्नल के बारे में बहुत कुछ लेके आया इन्फॉर्मेशन में आपके लिए जैसे कर्नल का वर्जन भी गैदर किया है मैंने कर्नल के साथ में उसका रिलीज डेट भी लेके आया हूं मैं ये 158 की इन्फॉर्मेशन है ये अभी इस इन्फॉर्मेशन को आप एक काम कर सकते हो किसी फाइल में सेव कर लो आप अगर आपको कहीं मेल करना है तो तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं दे देनी है प्रोडक्शन में तो फिर ऐसा करो अभी इसको आप बिना प्ले के तो प्ले तो मेरे पास है नहीं अभी तो मैंने सिंपल एक लिनक्स स्टाइल में फाइल में इसका आउटपुट सेव कर दिया अच्छा अगर आपको एग्जैक्ट ईवर्ट याद आ जाता है वेरेबल का नाम जैसे आपको याद है कि एग्जैक्ट यार इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन में से मुझे सिर्फ ये निकालना है बस ओनली कर्नल का वर्जन तो पूरा नाम भी आप डाल सकते हो राइट right? तो अभी सिर्फ अपनलीट हो गया कि कि आगे जिस सिस्टम में मेमोरी ये मिले देन डू दिस जिसमें कर्नल का वर्जन ये मिले देन डू दिस तो सेटअप मॉड्यूल में बहुत टाइम यूज करने वाला हूं प्लेबुक के अंदर टिल लास्ट चैप्टर तक लेकिन अभी मैंने बस टच करके छोड़ दिया है कि इन्फॉर्मेशन की जब बात आएगी उस सिस्टम में से कुछ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के दे दो तो देयर वी विल यूज सेटअप मॉड्यूल राइट उसके बाद चलते हैं आगे स्टेट नाम का एक मॉड्यूल है मॉडलिपल में स्टेट का मतलब इट चेक एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा आई मीन जैसे यू वॉन्ट टू चेक कि सिस्टम में ये डिस्क अवेलेबल है कि नहीं सिस्टम में ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं सिस्टम में ये पाथ अवेलेबल है कि नहीं उसके ऊपर देन यू वांट टू पुट सम कंडीशन कि अब ऐसा हो तो ऐसा कर देना तो अभी सिंपल ये मानो जैसे मुझे स्टेट यूज करना कैसे पहले एनसीबल हर एक नोड पे जाके मालूम करके आओ एक फाइल है आई एम नॉट श्योर कि फाइल कहाँ है कहाँ नहीं है फाइल अवेलेबल फाइल का नाम ए बी सी डॉट कॉन्फ समथिंग करके यार एंटर मारा मैंने बस तो लिखा आ गया कि एग्जिस्टेंस फॉल्स है इसका मतलब ये डेटा जो दे रहे हो आप लोग इस टाइप का डेटा वहां अवेलेबल नहीं है राइट right? जब मैं इसका कोड लिखूंगा आगे चल के एनसीबल प्लेबुक में तो फिर फाइल अगर नहीं है तो फाइल बिल्डअप कर दो अगर है तो अपेंड कर दो बहुत कुछ कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाद में फिर कॉम्प्लिकेट प्रोग्राम बनाएंगे देखना लेकिन अभी मुझे सेपरेटली मालूम चल गया है एनसीबल में जब भी डेटा का एग्जिस्टेंस मालूम करना होगा तो पाथ डिफाइन करना है बस स्टेट नाम के मॉडल के अंदर सर अगर आप फाइल होती तो क्या होता जैसे मैंने बोला ई टी सी पास डब्लू डी मालूम करो है कि नहीं बता रहा है कि यार फाइल तो अवेलेबल है और पूरी इंफॉर्मेशन फाइल के बारे में आपको लाके दे दी पता है फाइल का एक्सेस टाइम फाइल का ब्लॉक साइज कैरेक्टर टाइप चेकसम कॉन्फिगेशन टाइम डिवाइस नंबर डिवाइस टाइप एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि नहीं एग्जिस्ट करती है ट्रू यस yes. फाइल की ग्रुप आईडी रूट के पास है फाइल का आई नोड नंबर ये है तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको फाइल के बारे में दे दी इसने राइट तो डेटा एग्जिस्टेंस की जब बात आएगी अवेलेबल है कि नहीं आप स्टेट नाम का मॉडल है वहां यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद बात करते हैं यू आर आई यू आर आई का मतलब होता है यू आर एल टेस्टिंग जैसे हमें मालूम करना होता है कंपनी में कि हमारा ये बाला एपीआई का यू आर एल क्लाउड का यू आर एल वेबसाइट का यू आर एल ये वाला पोर्ट नंबर ये रीचेबल है कि नहीं राइट right? मैंने बोला एनसीबल हर एक नोड पर जाके मालूम करो ये मेरी कंपनी का ये वाला यू आर एल ए पी आई डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम सपोज करना एक मेरी कंपनी का यू आर एल है ये एट नाइन एट नाइन पोर्ट पे अवेलेबल है कि नहीं सॉरी अच्छा मैंने एट्रीब्यूट नहीं दिया यहाँ लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट राइट right? तो मैंने प्रेस किया तो सिंपल बोल रहा है कि यार ये स्टेटस नॉट फाउंड चेंज फॉल्स आ गया स्टेटस माइनस वन का मतलब है रिजल्ट नेगेटिव है अगर यहाँ पर लिखा था कि हाँ स्टेटस टू हंड्रेड है इसका मतलब रिचेबल है आपको मालूम होगा जनरली ये स्टेटस कोड से ही मालूम कर लेते हैं हम लोग बट यहां सिंबल बोल रहा है कि ये कोई एग्जिस्टेंस इसका है ही नहीं अच्छा मैंने बोला कि मालूम करो हर एक नोड से कि यार नेटवर्क क्लाउड का पेज चल रहा है के आर नेटवर्क क्लाउड डॉट ओ आर जी राइट तो बता रहा है हाँ यार ये इसका वेब पेज रिचेबल है हर नोड के ऊपर से इसका मतलब हर एक नोड से वेबसाइट का और रिचेबिलिटी बनी हुई है और स्टेटस कोड गया इसका टू हंड्रेड निकल के आ गया स्टेटस कोड तो इससे प्रूफ हो गया कि हाँ मेरा जो, मेरा जो यूआरएल है वो रिचेबल है हर एक के ऊपर से। ठीक है। तो जब भी किसी पोर्ट नंबर टेस्टिंग किसी आईपी टेस्टिंग की बात आएगी तो वहां यू आपको यूज करना होगा इंसराइट उसके बाद कुछ मॉड्यूलिंग और बचे आपके जैसे पार्ट एट पार्टेड जनरली हम यूज करते हैं टू क्रेडा पार्टीशन इन लिनेक्स राइट आई होप लक्स में आपने कभी एप डिस्क होगी command से आप क्या करते हो पार्टी करते हो बैठ के प्राइमरी पार्टी सेकेंडरी पार्टीशन पार्टीशन का नाम वगैरह जो देते हो आपको तो. तो वो काम एनसी वी कैन मैनेज राइट तो आई होप करने की मुझे नीड नहीं है आप डॉक्यूमेंट खोलो इसका और एक पहले सिस्टम में डिस्क आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जब आप प्रैक्टिस सिस्टम पे करोगे ना अगर आप बोलते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ मैं एक काम करता हूँ अभी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मेरी जो मशीन है ना भाई ये ये सब क्लाउड पे अवेलेबल है तो लोकल में जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो एक वर्चुअल डिस्क कलेक्ट से एड कर लेना फॉर पार्टिसिटिंग इन वी एम तो जो लोग क्लाउड पे कर रहे हैं प्रैक्टिस वो एक काम कर लेना या तो फिर अगर इस मॉडल का प्रैक्टिस करना है क्लाउड में आपको तो पहले इन नोड का जो रूट पार्टीशन है ना वो तो कम्पलीटली यूज हो गया है फिर नोड नोड पर जो डिस्क ली थी की वो तो कम्प्लीटली यूज हो गई है उसमें तो पार्टीशनिंग आप नहीं कर सकते अब तो एड ऑन एक नई डिस्क यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो सिस्टम के ऊपर पहले तो मैं आपको इस प्रैक्टिस इस मॉडल को यूज करा के दिखा देता हूँ तो एक काम कर लेते हैं फटाफट से मैं एक बार इस मॉडल एक यहां से एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ अलग से दो जीबी का वॉल्यूम काट रहा हूं और एक बात ध्यान रखना ये वॉल्यूम का अवेलेबिलिटी जोन तुम्हारे स्टांस के अवेलेबिलिटी जोन से मैच करना चाहिए ये कहाँ दिखेगा सर बता अभी मैं बताऊंगा आपको लेकिन मुझे पता है कि मेरे तीनों स्टांस है ना नोड वन नोड टू जो है मेरे वर्कर नोड वो ए पी साउथ वन ए में चल रहे हैं तो मैंने ये ये वाला अवेलेबिलिटी जोन ले लिया है बाकी कुछ काम का नहीं है बस वॉल्यूम क्रिएट कर दो अभी मैं दिखाने के लिए इस वॉल्यूम को बस एक नोड पे ऐड कर देता हूँ बस ऑन नोड वन ठीक है वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग तो एक बार हम लोग इसको यहां से ये यह कर देते हैं नोड ए पे गया एक्शन पे गया और यहां से मैंने वॉल्यूम अटैच कर दिया एनसीबल नोड वन पे मैंने इसको अटैच कर दिया भाई राइट ठीक है और एक काम करना आप लोग ये जो अवेलेबिलिटी जोन की बात हो रही थी अभी अवेलेबिलिटी जोन यहां से मिल जाएगा आपको एपी साउथ वन ए दिखा रहा है मुझे ठीक है राइट right. अगर मैं चेक करता हूं जाके इस नोड पर डिस्क है कि नहीं अवेलेबल तो एक मिनट में मुझे आप इस सिस्टम पर लॉग करने दो थोड़ा सा ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि एग्जाम में पार्टीशनिंग कराएगा आप लोगों से तो पार्टीशन क्रिएट करना आपको एनसीबल से आना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं मैं ठीक है बट एग्जाम में डिस्क पहले से आपको ऑलरेडी मिलेगी ध्यान रखना नोड के ऊपर तो यहां मैंने क्या किया लिनक्स में आई थिंक सबको मालूम होगा ना एक कमांड होती है इस कमांड से पहले हमने इंश्योर हो हम लोग चेक कर लिया कि हाँ, एक दो जी बी का अवेलेबल हो गया इसका नाम है एक्स बी डी एफ सो नाउ वी नीड टू क्रिएट पार्टीशन इनसाइड द डिस्क वाई एनसीबल तो इसका मॉड्यूल नेम क्या होगा पार्टेड पार्टेड का सिंटेक्स मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो मैंने इसका डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया यहां से Ansible Doc part 8. ये बता रहा है कि ये सिंटेक्स होता है इसका राइट एनसीबल बैक ग्रुप पे जाओ पार्टेड नाम का मॉड्यूल चलाओ और इसका जो एट्रीब्यूट है सॉरी डिवाइस का नाम आता है अभी जिस डिवाइस में पार्टीशनिंग करना चाहते हैं हम लोग वो डिवाइस मेरे केस में क्या है मैं नाम यहां से उठा लेता हूं अभी एक्स बी डी एफ नाम की डिवाइस में जाना डिवाइस नंबर पूछ रहा है तो पार्टीशन वहां पहले से है नहीं अवेलेबल तो प्राइमरी पार्टीशन का नंबर वन मैं अभी ले रहा हूं पहला फर्स्ट नंबर इसने साइज नहीं दिया अगर आपने यहाँ साइज डिफाइन नहीं किया ना भाइयों आप साइज डिफाइन कर देना मैं जैसे इंटरप्रेस करूंगा तो ये पूरे डिस्क का एक ही पार्टीशन बिल्डअप कर देगा बस क्योंकि आप यहाँ पर साइज डिफाइन नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं चलो तो फाइनली क्या हो गया देखो एक दो जीबी का एक पार्टीशन बिल्डअप हो गया कंप्लीट दो जीबी का हंड्रेड परसेंट आपने यूज कर लिया उसको गया पार्टीशन अगर आप नोट पे जाके यू वांट टू वेरीफाई तो यहां से आप एल एस वी एल के कमांड से मालूम ही कर सकते हो तो बता रहा है कि हाँ यार आपने एक्स वीडियो का आपने पार्टीशन बिल्डअप कर दिया है partition होने के बाद Linux में मालूम होगा आप लोगों को कि को करना पड़ता है है तो कहता कि एक कमांड होती है एम के एफ एस बट एनसीबल में यू वॉन्ट टू ऑटोमेट फॉर्मेटिंग फॉर्मेट करने वाला मॉड्यूल में, एनसीबल में क्या होता है फाइल सिस्टम ये था पार्टेड पार्टेड क्रिएट पार्टीशनिंग और फाइल सिस्टम फॉर्मेट पार्टीशन इट यूज टू फॉर्मेट फॉर्मेट का मतलब क्रिएट फाइल सिस्टम मतलब जैसे एनटीएफएस होता है ना विंडोज में लिनक्स में एक्सएफएस होते हैं ई फोर होते हैं फाइल सिस्टम टाइप तो विदाउट फाइल सिस्टम की आप किसी डिस्क को यूज नहीं कर सकते आई होप आपको मालूम हो ये बातें तो फाइनली डिस्क मुझे फॉर्मेट करके दिखानी है फिर से मुझे इसका डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा फाइल सिस्टम नाम का मॉड्यूल कैसे यूज करना है आपको देखो यहां जाओ यहां से आपको इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा दिखा रहा है कि बताओ पार्टीशन का नाम कौन सा है कौन सा डिवाइस नंबर है कौन सा फाइल सिस्टम यू वांट टू तो बहुत सिंपल कमांड है एनसीबल वेब ग्रुप पे जाओ ये भी एग्जाम में आएगा ध्यान रखना तो डिवाइस है मेरी अभी एक्स मैं एक बार उसका नेम भूल गया हूं हाँ एक्स बी अभी फाइल सिस्टम का जो टाइप ले रहा हूं ना एफ एस टाइप फाइल सिस्टम टाइप एफ एस टाइप वो ले रहा हूं मैं क्या है अलग फाइट है बट लिनक्स में ऐसा मानो जिसको विंडोज की लैंग्वेज में यू कॉल एन टी एफ एस उसको लिनक्स में वी कॉल एक्स एफ एस राइट इट्स सिस्टम ऑफ डिस्क तो फाइनली फा, पर, पार्टीशन फॉर्मेट हो गया फॉर्मेट हो गया तो इसको माउंट करके यूज कर सकते हो आप लोग विदाउट माउंट के डिवाइस को हम राइट नहीं कर सकते इन लिनक्स लिनक्स विंडोज में भी आपको डिवाइस को ओपन करना पड़ता है ई e के उपर, F के ऊपर ऊपर एफ आप राइट कर पाते हो उसके अंदर कहता लिनक्स अब आप इसको माउंट कर लो तो माउंट माउंट पॉइंट पहले बनाना पड़ता है आपको तो पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिवाइस है ना मुझे यहाँ माउंट करना है स्लैश के ऊपर एक फोल्डर बिल्डअप कर दो या ओपीटी के अंदर एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर बनाओ पहले ठीक है एनसीपल उसके बाद एक काम कर दो अब अब उसको माउंट कर दो तो माउंट करने वाला मॉड्यूल में में माउंट ही होता है पार्टीशन पार्टीशन बिल्डअप कर दिया फॉर्मेट कर दिया नाउ यू कैन माउंट माउंट का मतलब ईटीसी फाइल में उसकी एंट्री मार दो परमानेंटली तो क्या करना होगा इसके लिए आपको फटाफट से मॉडल ने मुझे याद नहीं आ रहा है syntax क्या है उसका एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं तो फिर से डॉक में गया मैं राइट right. यहाँ मिल जाएगा आपको बता रही, होता है इसका बैब ग्रुप पे जाओ माउंट करो इस पाथ में एप्लीकेशन के अंदर माउंट कर देना किस पाथ में एक मैंने फोल्डर बिल्डअप किया था ओपीटी के अंदर एप डिवाइस का नाम सोर्स में आएगा यहाँ पे सोर्स में डिवाइस का नाम आएगा और डिवाइस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यहां से कॉपी कर लेता हूं दोबारा से उसके बाद एफ एस टाइप एक्स एफ एस था ये ऑप्शंस आपको रीड ओनली मोड में माउंट करना है कि रीड राइट मोड में माउंट करना है जैसे मैंने बोला डिफॉल्ट जो भी होते हैं परमिशंस इन लिनक्स वो दे दो इसको राइट right? उसके बाद स्टेट प्रेजेंट माउंट कर दो एप्शन करता तो हटा देगा उस माउंट पॉइंट को जाऊंगा ना फाइल के अंदर तो मुझे इसमें एक माउंट पॉइंट क्रिएट मिलेगा राइट तो फाइनली इस तरह आप लोग और भी मॉडल यूज कर सकते हो विंडोज के लिए राउटर्स के लिए डिवाइसेस के लिए लेकिन ये मैंने बात की है कि लिनक्स एडमिन की लाइफ में फाइल लेवल पर पार्टीशनिंग लेवल पर पैकेज लेवल पर सर्विस लेवल पर कैसे काम होता है Inzible से तो ये बीस बाईस मॉड्यूल एक्टली आपको याद पहले होने चाहिए प्रॉपर ठीक है तो अभी नाइन थर्टी हुआ है टाइम बचा हुआ है लेकिन मुझे यूनिट अब इसके बाद स्टार्ट करना है प्ले बुक्स यूनिट फोर आपका स्टार्ट हुआ होगा प्ले बुक्स तो प्ले बुक्स हम कब से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को एक बार आप कंफर्मेशन दो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे हम लोग फिर मैं सोच रहा हूँ प्लेबुक फ्रेश मूड से हम कल स्टार्ट करें अगर आपको एडॉक की प्रैक्टिस पूरी हो गई है तो एक बार कंफर्म करो आप लोग क्या बोल रहे हो ठीक है तो कुछ आज बंदे एबसेंट भी हैं थोड़ा सा फाइनली आ... नहीं बेसिक्स बता दो बेसिक नहीं पूरा ही बताऊंगा स्टार्टिंग से तरीके से उसको तो ठीक से कुछ यामेल लैंग्वेज का पहले मुझे आपको एक डेमो देना है राइट right. तो मैं इसको कल ही करूंगा स्टार्ट फिर ना अभी आप सिर्फ जनरली कुछ डिस्कस कर सकते कुछ आपको डाउट अगर भी राइट right. और कुछ बंदे आज एबसेंट भी हैं तो मैं सोच रहा हूँ कल हम लोग प्राइमरी कल से स्टार्ट करेंगे इसको फाइनली यूज कल से करता हूँ मैं प्रॉपर इसको कोई नहीं आज थोड़ा सा इसको आप फोकस कर लो एडअप को पूरा तो कल एक थोड़ा सा हम लोग बड़ी क्लास कर लेंगे टू आवर्स के आसपास की तो इसमें पूरा प्ले बुक का दूंगा मैं फिर उसके बाद इन डेप्थ जो प्ले बुक्स होती है वो स्टार्ट करूंगा ठीक है राइट तो थैंक यू आज ये सेशन नहीं स्टॉप कर रहे हैं हम लोग और ये पूरा बाइंड अप करके कल से हम लोग करते हैं स्टार्ट प्रॉपर फिर आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी लोग और इसके बाद करो उसको आप लोग साथ के साथ लैब करते जाओ क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे ना वो थोड़े से अब कुछ कॉम्प्लिकेट और अच्छी बातें आने वाली हैं ये तो एक बहुत बेसिक था इन अभी ठीक है ठीक है तो आई थिंक आप लीव कर सकते हो और फिर मैं कल मिलता हूँ आप 8:30 थर्टी ओके भाइयों थैंक यू Right.